घर में भक्त लोग आए, घर में संत लोग आए, कह दो घर घर नहीं, वो घर भगवान का धाम बन जाता है, भगवान की, बैठ चुप जा, इसलिए कह दो घर भगवान का धाम बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए भागवत में बताए सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाच्युता दर्गता, इसका मतलब है जिस घर में भगवान की कथा हो, कीर्तन हो, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ उसी घर में निवास कर जाते हैं। इसलिए आज तुम्हारे बड़े सौभाग्य है, घर में भक्त लोग आए, घर में संतों का प्रसाद दिलाया। इसलिए भगवान भागवत में खुद कहते हैं, कहते अगर मेरे खुश करना चाहते हो मेरे भक्तों को खुश कर दो, मेरे भक्त अगर खुश हो गए तो मैं अपने आप खुश हो जाता हूँ। बोले क्यों? बोले मैं कहाँ रहता हूँ? मैं रहता हूँ संतों का हृदय में। जब संत खुश हो गए, भक्त में अपने आप खुश हो गए। इसलिए भगवान ये सबसे सरल उपाय बताया, मेरे को खुश करने का ये सबसे सरल उपाय है। इसलिए घर में साधु लोग क्यों आते, कारण क्या है, हमारे घर में संत क्यों आए? इसलिए जिस समय श्री गर्गाचार्य जी नंद बाबा का घर में आते हैं, नंद बाबा कौन है? कहते कृष्ण की पिताजी है, हाँ, कृष्ण जी के पिताजी है। गर्गाचार्य कौन? बहुत बड़े संत है, हैं, कहते ये वसुदेव महाराज का कुल पुरे थे। जब इनके घर में ये आते हैं तब श्री नंद बाबा स्वयं कहते हैं, कहते महत विचलनाम नृणाम गृहिणाम दीन चित्तसा निस्रसाया भगवान अन्यथा कल्पते। इसका मतलब है साधु अपना स्वार्थ को लेकर के नहीं आते हमारे घर में, कुछ लेने के लिए नहीं आते, हम कुछ देने के लिए आते हैं। तो हमें क्या दिया, हम तो उल्टा उनको मजा को, इसलिए हमें दिया क्या, हम तो संत लोगों को खिलाया, प्रणाम दिया, वो हमें क्या दिया है, हैं? लेकिन वो हमें क्या दिया है, लेकिन नंदोबा कहते नहीं, हम तो साधारण चीज दिया खिलाया, लेकिन वो एक बहुत बड़ी चीज देने हमें आए। वो कौन सा है? बोले कृष्ण प्रेम देने के लिए आए, भगवान की भक्ति को देने के लिए आए, हैं? और जीवन में हमें शांति सुख देने के लिए आए। हम जो ये संसार में भटक रहे हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर में हम जो पड़े हुए हैं, और दुखी दुखी हम जो हो रहे हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई संसार से दुखी, दुखी दुखी, हमको ये दुख से निकालने के लिए आते हैं। एक समय कोई एक राजा का कोई बेटा था, कभी थोड़ी बहुत कोई गलती कर दिया तो पिछले दिन बड़ी डांट लगा दी तो दुखी हो गया, और उसने राज महल छोड़ करके पिताजी को छोड़ कर चला गया। राज महल में रहते समय तो रोज छपान बहु छत्री से भजन गाता था, राज महल में रहता था ठाड़ वाले से, लेकिन जब उसके पिताजी को छोड़ दिया, वो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अब तो दर दर भटक रहा है, और जा करके लास्ट में अपना पेट पालने के लिए एक चाय वाला का दुकान में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? खाने के बाद जो प्लेट धोते है ना, अब प्लेट धो रहा है, और खाने के बाद जो जगह को पोछा लगाता है वही पोछा लगा रहा है। अभी राजा तो बड़ी दुखी, मेरे बेटा कहाँ चला गया, बेटा कहाँ चला गया। अभी बाद में वही राजा सिंहासन को ही संभालने वाले राजा सोच रहे, हमने उसको डांट लगा दिया, गलती किया तो कुछ समझा नहीं, उसको अच्छे के लिए किया है, समझा नहीं, घर छोड़कर चला गया, और ये भी इधर दुखी है। घर में रहते समय कहाँ छापान भोग छत्री से भजन खाता था, यहाँ पर सूखा रोटी भी मिलना कठिन है, दिन भर काम करते करते सूखा रोटी भी हमें नसीब में नहीं मिल रहा है, बड़ा दुखी। फिर वो बच्चा सोच रहा है, मैं तो गलती किया है, अगर जा करके पिताजी के पास में जाऊँ, पिताजी क्या मेरे को फिर स्वीकार करेंगे? इसी वजह से वो घर में भी नहीं आ रहा है, दुख उठा रहे, अभी दोनों दुखी हो रहे। एक दिन राजा ने मंत्री को ये बात बताया, देखो तो मेरे बेटा गया कहाँ, कर रहा है क्या, तो घूमतो, उसने गया ढूंढने के लिए, वो बेटा गया कहाँ, ढूंढते देखा होटल में चाय वाले की, होटल में खाने का बर्तन को धो रहा है, और खाने के बाद जो झूठा है पतल को उठा रहा है, और वहां पर पूछा लगा रहा है। बोले हाय रे, कहाँ राजा की बेटा, जिस घर में कितने नौकर नौकरानी काम कर रहे, और ये नौकर बन करके सबका झूठा पतल को उठाता है, प्लेट साफ कर रहा है। इतने में वो मंत्री ने किया,
उसने अब रूप बदला करके उसको एकदम दोस्त बन गया, एकदम पक्का दोस्त बन गया। जब किसका तो कोई दोस्त बन जाता है ना, अब देखना दिल की बात उसको बता देता है। एक दिन मंत्री ने पूछा, भैया तेरे रहने वाले तो कहाँ गए हो और यहाँ क्यों काम कर रहे हो, को कहाँ के रहने वाले? फिर उसने बताया, कहते अमुक राजा का बेटा, एक दिन मैंने कोई गलती की तो पिताजी ने मेरे को डांट लगाए, और डांट लगाए तो मैं दुखी होकर के आ गया और मुझे बड़े दुख उठा रहा। हाँ, अरे तो वापस क्यों नहीं जाते हो? पहले मैं ये सोच रहा हूँ जाने पर क्या पिता हमें स्वीकार करेंगे। स्वीकार करेंगे तो मंत्री ने फिर असली परिचय दिया। बोले देख बेटा, मैं किसी राजा का मंत्री हूँ और तेरे पिता ने मेरे को भेजा है तेरे को ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते मैं तेरे पास में आया। तू जितना दुखी है ना, तेरे पिता तेरे से ज़्यादा दुखी। तेरे पिताजी कहाँ राजा के बेटा और कहाँ क्या कर रहा है, दर दर भटक रहे हैं, तेरे को तो इंतजार कर रहे हैं। तो कब घर में आओ और राजगद्दी को तो संभालो, सारा दुनिया का राजा तू है। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जीव जब भगवान को भूल करके, हम कौन हैं? राजा के बेटे हैं, हम राजा की सबके सब बेटे हैं। लेकिन जब भगवान को भूल जाते हैं फिर संसार में हम दर दर भटकते हैं। इसलिए भगवान उसको पीछे 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 भगवान घूमते हैं। बोले भैया तू एक बार मेरी तरफ मोड़ करके तो देख, लेकिन हम एक बार भी प्रभु के तरफ में मोड़ करके देखने के लिए राजी नहीं है, राजी नहीं। भगवान कहते एक बार बेटा मेरी तरफ देख ले, पकड़ कर मैं ले आऊंगा, लेकिन हम राजी नहीं पिताजी की तरफ में देखने के लिए है। इसलिए फिर तो उसको सारी परिचय दिया, तेरे पिताजी ने मेरे को भेजा, चल पिताजी के पास में। फिर उसको लेकर के ले आए आज मालाई मान। कहते उसी तरह हमारी जो परम पिता कौन है? कृष्णा भगवान। तो मैं व माता च पिता, वो हमारी असली पिता, हम उसका औलाद है। लेकिन हमें भगवान डांट लगाया। बोले क्यों? हमने उनकी बात स्वीकार नहीं किया। भगवान जो हमें बोले ना, हम उनको बात को नहीं माने। भगवान क्या बोले? भगवान बोले मन मना भव, चिंता करना तो मेरी ही चिंता कर, मत भक्त भव, अगर भक्त बनना तो मेरा ही भक्त बन, माम जाजी पूजा करना तो मेरी पूजा करो, माम नमस्कार प्रणाम करना तो मेरे को करो। लेकिन हमने बोले नहीं, हम तेरा भजन भक्ति नहीं करें, हम तो दुनिया के भोग करेंगे, संसार का विषय भोग करेंगे। बोले भोग करोगे? जा जा करके देख ले क्या मज्जा, देख ले। फिर भगवान धक्का मार करके फिर यहाँ ही फेंक दिया। यहाँ पर कोई तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, बीवी से दुखी, पति से दुखी, बच्चों से दुखी, पैसा से दुखी, पड़ोसी से दुखी, दुखी 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 होकर हम संसार में दर दर भटक रहे हैं, दर दर हम भटक रहे। लेकिन ये मंत्री कौन है? ये मंत्री है, ये सदगुरु ही ये मंत्री है, सदगुरु ये मंत्री है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, वो मंत्री को भेजते हैं, भैया मेरे बेटा है वो चाय दुकान में काम कर रहा है, प्लेट धोरे जा उसको पकड़ कर लेकर के आओ मेरे पास में। इसलिए संत लोग कौन है? कौन है? भगवान ये संतों को भेजा, ले जाओ ये सब मेरे बच्चे हैं, ये संसार में दुख उठा रहे हैं, उनको पकड़ करके मेरे पास में लाओ। इसलिए श्री नंद बाबा कहते हैं, महत विचरणाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। महत लोग जगत में क्यों आते हैं? हम समझाने के लिए आते हैं। बेटा तू साधारण घर की तू बच्चा नहीं, तेरे पिता परम पिता भगवान है, क्यों ये संसार का कीचड़ में पड़े हुए? चलो उनको पास में चलो, वो आनंद आनंद वहीं पर मिलेगा, वहीं पर तेरे को आनंद आनंद मिलेगा। फिर तो हमें पकड़ करके फिर ठाकुर के पास में ले जाए। इसलिए साधु लोग हमारे घर में आए हमें ठाकुर जी के पास में ले जाने के लिए। इसलिए वो जो बोलते हैं वो चीज में सोचा, वहाँ जाने के लिए टिकट किया है। बोले एक टिकट टिकट है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बस एक टिकट खर्च कर लो। इसलिए हमारे भक्तों ठाकुर बोलते कहते हैं, एनएची औषधि माया नासी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लागू। मैंने दवा लाया, औषध लाया, दवा लाया है वो बीमारी को खत्म करने के लिए। बोले क्या? बोले हरि का नाम, हरि का नाम लाया, बस एक डोज ले लो दवा की, एक डोज ले लो बस तुम्हारी सारी बीमारी सही हो जाएगा। फिर तो सीधा ठाकुर के पास में चले जाओगे, सारे दुख कष्ट तुम्हारी खत्म, ठीक है ना।
एक दवा लेना, कौन सा दवा? हरिनाम दवा, ठीक है ना। ये बच्चे सब हरिनाम करते कि नहीं, भला करती कि नहीं? सब बच्चे करते है ना। हाँ तुम्हारे अच्छी बच्चे, इसलिए हरिनाम करना, भक्ति करना, हमारे कल्याण, ठीक है। बच बदन करो, ठीक है, कट पता करो। प्रभु का तरंग ये लाइव चल रहा है, हमारे गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जब मथुरा में रहते थे तब कोई रिकॉर्डिंग करता था या कोई कैमरा लेके जाता था, मारते थे पूरा भी ऐसे, जब कैमरा हमारा तोड़ के फेंक देते थे, बोलते थे हृदय में धारण करो। लेकिन इसके लिए हम लोग भी दुखी है, अगर उसी समय जिस प्रकार कथा हुआ था अगर किसने भी पिटाई खा करके रिकॉर्डिंग करके रखता तो आज सब लोग को मिल जाता। तो उन्होंने तो पिटाई खाता लेकिन हम लोग को मिलता, तो चलो उन्होंने अपना कथा कैसे सुनते पता नहीं, क्योंकि उधर तो देखते कौन वाच कर रहे हैं, अभी सबको सेंड किया कि नहीं, 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 नहीं। लेकिन चलो सब लोग को तो पहुंच जाता है। नहीं उसमें ना, उसमें गुरुदेव एक बात कहते थे, देख बेटा लेकिन जब डायरेक्ट तुम कोई बात सुनोगे ना तुम दिल से सुनोगे, दिल से बात सुनोगे। अब दो चीज डायरेक्ट दिल से ग्रहण करोगे वो चीज ही काम करेगा। लेकिन जब हम किसी को वीडियो करते ये करते क्या होता है, फिर बाद में सुन लेंगे। नहीं नहीं तुम्हारी बात नहीं, गुरुदेव कहते हम इसमें तो रिकॉर्डिंग कर लिया ना, बाद में सुन लेंगे। अरे गुरुदेव जो बात को बोल रहे हैं ना वो चीज को तुम ध्यान से नहीं सुनोगे, वो चीज को ध्यान से नहीं सुनेंगे। और गुरुदेव बोलते थे जब कथा हो, गुरुदेव बोलते थे अगर कोई इधर उधर बैठते बोले नहीं सामने बैठो, बुलाते क्योंकि क्योंकि गुरुदेव जब किसको पर दृष्टि दे करके देख करके जब कोई बोली बोलते ही उस समय कभी जो गुरुदेव है कभी भगवान कभी चार तरह से जीव का कल्याण करते कभी एक है दृष्टि को द्वारा, एक है दृष्टि को द्वारा, कभी दृष्टि को द्वारा कौन बोले मछली, मछली जो बच्चा देता है ना सब दूध नहीं पिलाता है, और दूध नहीं पिलाता खाना नहीं खिलाता है, बच्चों को केवल देखते रहता है, मछली बच्चों को देखता है और देखते देखते बच्चे फल जाते हैं। कहते चिंतन के द्वारा, कहते ये कछुआ, कछुआ क्या करता है अंडा दे करके पानी को ऊपर जाएगा, अंडा देकर ढक देगा रीति से और वो पानी में रहेगा और उसको सोचते रहेगा, वो अंडा को सोचते रहेगा, सोचते 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 वो अंडा अपने आप फूट जाएगी, अपने आप फूट जाएगी और बच्चा अपने आप निकल जाएगा। वो चिंतन के द्वारा करते हैं, कुछ होता है स्पर्श के द्वारा, जैसे पक्षी मुर्गा देखना अंडा दे देता है और अंडे के ऊपर बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, बैठते बैठते स्पर्श पाकर अंडा अपने आप फूट जाएगी, अपने आप बच्चे निकल कर आ जाते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते तो उसी तरह कथा सुनना, सामने बैठ कर ही गुरुदेव जब कथा सुनाते हैं वो दृष्टि को द्वारा ही, वाक्य को द्वारा, दृष्टि को द्वारा उसके ऊपर में गुरुदेव कृपा करते हैं। इसलिए कथा को गुरुदेव कहते हृदय से, कथा को हृदय से धारण करो, कथा को हृदय से धारण करो, फिर वो कथा तुम्हारी जिंदगी भर के लिए वो कथा तुम्हारी याद रहेगी और उसके जीवन में पालन करो। इसलिए गुरुदेव इस बात को ज़्यादा जोर दिया करते थे। तब भी उस समय में कुछ भक्त लोगों ने कुछ रिकॉर्डिंग कर दिया जिसको हम अब क्योंकि वो बोला है गुरु वस्तु, जो कथा जाती है वो गुरु वस्तु है। जैसा हमारे एक प्रभु थे, क्या किए उन्होंने, उन्होंने ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए तो बोले गिरिराज परिक्रमा कर रहे थे, उन्होंने सोचा भाई इतना मेहनत कौन करेगा, रोसी कौन बनाता है और गिरिराज को भूख लगाएगा, अन्नकूट काम करो। डाउनलोड किया गूगल से 56 भोग, जब आ गया मोबाइल पे गिरिराज को भी भोग लगा दिया और वही 56 भोग सबके पास सेंड भी कर दिया। पेट भरेगा तो सबका, फल मिलेगा गिरिराज भोग लगाने का, फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गुरु वस्तु है, इसमें जान है। ये ट्रांसफर उसके द्वारा नहीं होगा, ट्रांसफर डायरेक्ट होती है। तो इसलिए गुरुदेव वैष्णव तो नहीं, तो फिर वैष्णव जैसा कोई कोई बोलते ना, महाराज कहते थे उसी दिन, कोई कोई कहते कि हम तो अजपा जप करते हैं, माला लेना क्या जरूरत है, भगवान की माला गिनती क्या करना, अभिमान लाने के लिए मैं 16 माला करता हूँ, वाह इतना अभिमान क्या है भाई,
भगवान नाम लेकर गिनती क्या करना है, अजप आ जाओ, सांस प्रश्वास पर नाम लेते रहो लेते रहो। बोलते हैं ना कुछ कुछ लोग ऐसा बोलते, सांस 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 में नाम लो, अजप आ जाओ। उनको पूछो अभोज भोज करो, भोजन जरूरत नहीं है लेकिन भोजन करो, होगा कभी नहीं। भोजन के लिए गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, रसोई भी कढ़ाई चाहिए, रसोई बनेगा तब जाके भोजन करोगे। और उसी समय अभोज भोज नहीं बोलोगे, और हरिनाम करने के समय अजपा जप, माला नहीं, मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं, अजपा जप चल रहा है हमारे सांस सांस में। तो उस समय एक थप्पड़ मारो तो देखेंगे वो क्या बोलेगा, जरूर मम्मी को पुकारेगा कि नहीं तब पता चलेगा, कृष्ण को पुकारेगा कि मम्मी को पुकारेगा। चल आदमी बोलते हैं नहीं, हरिनाम करना चाहिए। तो इसलिए जो परंपरा से आती है वो परफेक्ट है। इसलिए हम लोग का दो प्रकार की परंपरा है, अवरोह और एक है क्या आरोह। दो प्रकार की परंपरा क्या है, अवरोह परंपरा नहीं है, दो विधि है नॉलेज और जो रोजगार करने के लिए सोर्स। दो प्रकार की, एक अवरोह, अवरोह वाला है परफेक्ट नॉलेज, लेकिन आरोह वाला है कौन चला है? अवरोह पंथा, आरोह पंथा है इम्परफेक्ट नॉलेज। इम्परफेक्ट क्यों है? क्योंकि जैसा आजकल साइंटिस्ट लोग करते हैं, ये है अवरोह पंथ, ये है आरोह पंथा, अपना दिमाग लगाते लगाते कुछ करते हैं, और दूसरा आया फिर उससे और ज़्यादा फिर दिमाग लगाएगा, और तीसरा आया उससे और ज़्यादा दिमाग लगाएगा, करते करते कुछ निकालते हैं, लेकिन सही होता है तो? जैसे कुछ ने दिमाग लगाया, ऐसे पुराने जमाने के लोग ऐसा क्या करते, जंगल काटो काटो घर बना ये बना ये बना, सो लगा दिए दिमाग, और किसने आया फिर दिमाग लगाया, और किसने आया फिर दिमाग। अभी 25 साल के बाद बोलते नहीं जंगल को बचाओ, और पहले परफेक्ट नॉलेज के अनुसार सब लोग हमारे कहते थे, शास्त्र और गुरु कहते थे नहीं जंगल को पूजा करो, उल्टा जंगल मत काटो बोलते थे ना। तो परफेक्ट कौन है? ये वाला ही परफेक्ट है। तो इसलिए कभी लाइफ में तो भेज रहा है, मैं घर में बैठ के देख लूँगा कौन जाता है मंदिर में। आजकल मंगला आरती भी राहुल प्रभु ही लाइफ में कर देते हैं, तो नहाएगा कौन, सोते सोते ही लाइफ फेसबुक में देख लो तो हो जाएगा मंगला आरती। फल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। उठो नहाओ, जाके प्रणाम करो, अंदर भावना करो, तब देखना जब बैठोगे वहाँ खड़े होगे और पुजारी आरती कर रहे ठाकुर जी के सामने दर्शन करते हुए मंगल श्री गुरु गुरु गाओ, तो देखना कितना अनुभूति होती है। अभी इसी घर से कितने लोग मंगल आरती जाते हैं? 5 पूरा। आप अकेले जाती है? नहीं, ये भी जाती। बेटी जाती है? आप भी जाते हैं? अच्छा, चेष्टा करो, कोशिश करना आ जाना। शाम को भी आ जाते हैं। और बेटी कौन, आपका कितना बेटा बेटी है? ये दोनों बेटी है और ये बेटा है, ये पंच पांडव है पूरा। तुम जानते जाती हो मंगल आरती जाती हो? कभी कभी ये तो बहुत कम जाती है। ये सोती है ना बहुत ज्यादा? हाँ बहुत ज्यादा सोती है। और ये जाती हो? मैं तो देखा नहीं कल तो, आज तो नहीं जाती कल। अच्छा ठीक है, तो अच्छा है। और उनको फिर बुला करके ले जाना, ये जो खेल है। और ये जाता है कि नहीं? तुम जाते हो? ये नहीं जाते। मजा कैसे मिलेगा? सुबह शाम ये कोई से नहीं जाता। हाँ नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। कल अनुप ने उनको खींच करके लिया, कल धोती पहना दिया, हो गया ठीक है। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे Hey.
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। प्रभु जी का नाम क्या है? वृंदावन दास। वृंदावन दास प्रभु की जय। की पत्नी की बच्चों की पिताई गौर तुम्हारी हरी हरी बोल। ठीक है, हरी कृष्ण। महाराज दक्षिणा वृंदावन है वृंदावन धाम है ना। वृंदावन एक वृंदावन।